हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज मैंने डिसाइड किया कि आज हम लोग कुछ नया तो नहीं कर रहे हैं, बट क्या करेंगे कि आज मैं आपको अपनी लोकेलिटी जहां हम रहते हैं उसके आसपास का एरिया दिखाऊंगा कैसा है, क्योंकि हम शाम को ऐसे घूमने निकले हैं। धूप हो रही है अच्छी, देखो कितनी प्यारी धूप आ रखी है। सो धूप हो रही है, शाम के बज रहे हैं अभी 6, तो हमने बोला चलो घूम के आते हैं ग्राउंड। तो मैंने सोचा कि साथ में आप लोग को पास की लोकेलिटी भी दिखा देता हूँ और दिखा देता हूँ किस जगह पे मैं रहता हूँ। वैसे मेरी जगह जहाँ मैं रहता हूँ उसका नाम है इलंकूर। ये इल्देफोंस में ही आता है और करीब करीब 30-35 किलोमीटर दूर है मेन सेंटर से, पेरिस से। और मेरा ऑफिस यहाँ से बहुत पास में पड़ता है, तो इसलिए यहीं पे रहते हैं। और ये रहा मेरा दोस्त असिन लाइक ऑलवेज। तो अभी हम आपको दिखाते हैं क्या क्या है। पहले जो हमारे घर के पास में मार्केट है, मार्केट क्या है मतलब एक दो दुकान है, यहाँ पे एक छोटा सा सेंटर कमर्शियल बोलते हैं, मतलब मॉल को बोलते हैं, बट मॉल नहीं बोलेंगे, बट हाँ मतलब वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, डेली नीड की चीजें। यहाँ पे फार्मेसी है घर के पास में ही, ये देखो फार्मेसी। ये पिज्जा पिज़ेरी, ये वन ऑफ द बेस्ट पिज्जा है यहाँ पे का, मतलब यहाँ पे का क्या मतलब ये पूरे एरिया में अराउंड 5-10 किलोमीटर के एरिया में सबसे बेस्ट पिज्जा देता है, और हमारे घर से बस मुश्किल से 50-100 मीटर दूरी पे है। पुलिस स्टेशन भी है बगल में। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी रेजिडेंट्स भी है बच्चों के लिए, गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया जाता है। फिर यहाँ पे आ जाता है सेंट्रल कमर्शियल मतलब कमर्शियल सेंटर इन इंग्लिश। तो यहाँ पे आपको दुकानें थोड़ी बहुत। ये रहा पोस्ट ऑफिस, सैलून, ये कॉफर, बाल कटवाने की जगह। यहाँ पे देखो हमारे घर के पास में एक इंडियन शॉप भी है, लेकिन ये इंडियन नहीं, श्रीलंकन लोग चलाते हैं, बट हाँ यहाँ पे आपको इंडियन सामान सारा मिल जाएगा मोस्टली। डोमिनोज, बैंक सोसाइटी जनरल, और पीछे भी बैंक है लापोस्ट। तो ये है एटीएम है यहाँ पे। सो ये टबैक शॉप है, यहाँ का खोखा होता है। तो देखो अंदर सिगरेट्स विगरेट्स जो भी मतलब लोटो मैगजीन सब कुछ मिलता है यहाँ पे, मतलब उसके अलावा भी मतलब छोटे मोटे टॉफी ऑफी है सब। फिर यहाँ पे ये है ड्राई क्लीनिंग का एरिया, प्रेसिंग, ऑप्टिक्स, सैलून अगेन, सैलून द सेकेंड। ये है ड्राइविंग स्कूल, इकोल द कन्वी। सो कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस इज लाइक आपको 2000 यूरो पे करना पड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, तो दिल पे चोट है ये। सो यहाँ पे ये सिनेमा Cine7 एंड देन शेप अप है। ये यहाँ पे बार है छोटा सा, यहाँ पे अपना बैठ के अपना बियर वियर पियो शाम को, लोग देखो चिल कर रहे हैं अपना। फिर यहाँ पे आराम से ग्रिल आद करके ग्रिल उसके लिए है रेस्टोरेंट। फिर वहाँ पे भी एक लाइब्रेरी है आपका रास्ता। ये आ गया हमारा संत कमर्शियल, मतलब ये काफूर मेन जहाँ मार्केट से हम सामान खरीदते हैं मोस्टली। सो ये है हमारा काफूर मेन मार्केट। अभी हम आपको हम सोच रहे हैं कि यहाँ से कुछ पीने के लिए थोड़ा सा और कुछ खाने के लिए ले लें, और फिर हम लोग जाएंगे किसी पार्क में बैठ के आराम से थोड़ा चिल करेंगे, फिर अपने घर चलेंगे वापस। हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम ज्यादा नहीं लेंगे, यहाँ से बकेट लेने की जरूरत। असिन क्या खरीदना चाहते हो तुम? सो ड्रिंक्स इज नॉट हियर, कोल्ड ड्रिंक और समथिंग।
मोगू, लेट्स टेक मोगू, इट हैज बीन लॉन्ग, वी डिड नॉट ड्रिंक मोगू. मोगू आई विल टेक दिस वन. मोगू स्ट्रॉबेरी, दिस इज लीची, दे डोंट हैव स्ट्रॉबेरी. ओके आई विल टेक लीची, लीची इज गुड एज वेल, नॉट बैड. And what else? Let's go, let's go. Yeah, we'll go to chip side. No, here we don't have chips. Huh? आ जाओ. यहाँ देखो सब्जियाँ, फल फ्रूट रखे हुए हैं पूरा. ज़्यादा इसका फुटेज नहीं डालूंगा, बहुत टाइम हो जाएगा क्योंकि छोटा सा ही वीडियो बना रहे हैं आज के लिए. तो उनके राइट साइड में जाना पड़ेगा. यहाँ पे पूरी बियर वियर्स हैं, पूरी यहाँ पे चिप्स विप्स हैं, ये पूरी बियर्स रखी हुई हैं. बियर अल्कोहल, सारा अल्कोहल वाला एरिया है. बियर की क्रेट्स रखी हुई हैं, वाइन रखी हुई है, पूरी बियर सुपर मार्केट में से. ये वाइन्स रखी हुई हैं पूरी. यहाँ पे आगे रम वम आ जाएगा. ये पूरी बियर, ये रम पूरी की पूरी. यहाँ ये सस्ती आती है दारू काफी. कई लोगों के तो मुंह में पानी आ गया होगा. नहीं दारू आज लौंडों के तो मुंह में पानी आ गया होगा ये देख के. चलो कोई बात नहीं, जो ये पूरे पी सकता है मैं पिला सकता हूँ किसी को. तो मिला कुछ चिप्स के नाम पे. मेरे को है ना वो वाला अच्छा लगता है, बियो वाला बटर फॉर्माज, दिस वन. कौन सा लेगा? पैसा नहीं. नो आई विल टेक दिस फॉर्माज फॉर मी, लेट्स गो देन. सो ये लिए एक कोल्ड ड्रिंक और एक चिप्स. जाते हैं, आप चेकआउट करते हैं और निकलते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ. तो ये मोगू है, ये बहुत सही ड्रिंक है मोगू. ये है मतलब इसके अंदर पल्प होता है और लीची फ्लेवर है, बहुत सही है. और ये बाकी तो चीज फ्लेवर चिप्स नॉर्मल कुछ नहीं. चेकआउट कर लेते हैं. चलो बाहर दिखाता हूँ मैं तुमको, जो भी अच्छा आएगा वो दिखाऊंगा. ओके तो हमने ये खरीद लिया है और अब हम बाहर जा रहे हैं. पता नहीं किधर को जाएंगे, क्या दिखाएंगे, बट निकल रहे हैं, देखते हैं जहां अच्छा कुछ दिखेगा तो चल लेंगे कहीं भी. सो अभी हम यही दिखा रहे थे सेंट्रल कमर्शियल, तो इसके बगल में ही हमारे घर की तरफ को जाते हुए थोड़ा सामान खरीदना था, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये सब, तो वो इंडियन शॉप से खरीद लिया है असिन ने. यहाँ पे जो है ये मेरी का ऑफिस है, मेरी मतलब मेयर का ऑफिस जैसा होता है ना, मेयर सिटी का मेयर होता है उसका ऑफिस है ये. यहाँ पे मेरी भी है वो आ रहा है. तो ये जैसे मैंने बताया था कि पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, पूरे बिल्डिंग्स दिख रही होंगे आपको, ये पूरी रेजिडेंशियल एरिया है. यहाँ इधर की साइड में मैं भी रहता हूँ, इन्हीं बिल्डिंग में से एक में. कौन सी है पता लगाओ भाई, पता लगाओ. यहाँ पे ये चीज अच्छी है, अगर आप पेडेस्ट्रियन हो तो आपको प्रायोरिटी है, तो लोग रुक जाते हैं. ये बिल्डिंग्स में रहता हूँ मैं, इधर पर मतलब मेरा घर है और ये हमारे घर के पास में ही. अच्छी जगह है, काफ़ी काफ़ी शांत जगह है ये. मतलब सेंटर पैलेस की तरह नहीं कि मतलब हो हल्ला बहुत ज़्यादा वैसा, मतलब हो हल्ला मतलब बहुत ज़्यादा हलचल हो.
पास ग्लास से तो यहाँ पे हमारे घर इधर पे बिल्डिंग है और ये हमारा बस स्टॉप है, तो ऑफिस जाने के लिए वहाँ से बस पकड़ते हैं हम लोग रोज से और वापस आते हुए ये रहा स्टॉप यहाँ पे। हमारी पार्किंग हो रही है, दो पार्किंग। मतलब सूरज आना मतलब इट्स अ फेस्टिवल, यू नो, सब लोग काफी एंजॉय करते हैं। सर ये घर के पास में पार्क है, पार्क क्या मतलब वैसे ही घूमने फिरने के लिए जगह है, बहुत अच्छा है। शाम को वॉक वॉक करने हो, लेकिन मोस्टली अभी ठंडी थी तो अभी बाहर तो कोई नहीं आता ठंडियों में, लेकिन हाँ गर्मियों में वॉक करने में बड़ा मजा आएगा। यहाँ पे देखो एमिटी लाइट गर्ल कम लाइक रिवर्स गियर लव लव ओ माय लव यू शोड मी पावर कव कव होली कव आई वांट यू हियर नाउ Oh girl, I am dying now। यहाँ से ऊपर ऊपर चढ़ के कूदना था, लेकिन कुछ चढ़ने के लिए है नहीं, ज्यादा ऊंचा है भाई। यहाँ पे बैठ के मजा सा आ रहा है, बट हम सोच रहे हैं कि अब थोड़ा सा नीचे घूम के फिर घर चलते हैं, थोड़ा सा कुछ देखते हैं, टीवी भी देखते हैं, टाइम पास करते हैं। चलो Let's go. Get up. That's it. Yeah. आपको दिखाते हैं यहाँ से उतरने। पहाड़ियाँ ही मिल जाती हैं हर व्लॉग में। पहाड़ी इन पैरे से पहाड़ियाँ ही मिल जाती हैं। बट ये काफी स्लाइंट है। पप पप। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों को खेलने के लिए कितना अच्छा बना रखा है देखो। हम तो बूढ़े हो गए, खेल नहीं सकते, मन तो कर रहा है चढ़ने का अभी भी, लेकिन कर नहीं सकते। आसिन तुम बच्चों की तरह लगते हो, कूद चल जा, चढ़ जाओ, गिव मी दैट बैग। बच्चों के पेरेंट्स बैठे हुए हैं और काफी बड़ा पार्क है, पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, चारों तरफ घर ही घर है। चलो सिन बच्चे पकड़ के ला रहे, लोग शाम को साइड में देखो, काफी बड़ा पार्क है। चलो अब घर की तरफ चलते हैं। तो आ गया हमारे अपार्टमेंट्स, आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे को पता है ज्यादा मजा नहीं आया होगा इसमें, बट मैंने सोचा कि क्यों ना आज बाहर निकल रहे हैं तो अपनी लोकेलिटी दिखा लेते हैं, थोड़ा सा कहाँ पे रहते हैं, कैसी कैसी जगह है। अच्छी जगह है रहने के लिए, काफ़ी काम प्लेस है और हाँ फैमिली एरिया है, पूरा रेजिडेंशियल फैमिली वाला एरिया है। करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आने वाले मतलब कुछ दिनों में और अच्छे व्लॉग आएंगे। थोड़ा घूमने निकलने वाला हूँ अभी कुछ दिनों में मैं इधर उधर, तो फिर मैं आपको कुछ नई जगहें दिखाऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सब्बा खैर, शुभरात्रि, जय हिंद, जय भारत।